रहीम यार खान के तालीमी इदारों में माली हालात बेहतर होंगे। चारों तहसीलों के 2672 स्कूल्स के लिए 41,99,00,000 रुपए से जायद के फंड जारी कर दिए गए। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जिले भर की चारों तहसीलों के 2672 प्राइमरी, मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को 42,99,89,792 रुपए के एनएसबी फंड्स जारी कर दिए गए हैं। स्कूलों को एनएसबी फंड्स नवंबर 2018 से लेकर जून 2019 तक के 8 माह के अरसे में इस्तेमाल में लाने के हवाले से जारी किए गए हैं। सीईओ एजुकेशन मलिक मुख्तार हुसैन का कहना था कि एनएसबी फंड्स जारी न होने से तालीमी इदारों के इंतजामिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। एनएसबी फंड्स को इस्तेमाल में लाने से तालीमी इदारों में दीवारों की तामीर और मुरम्मत, स्कूलों की खूबसूरती में इजाफे और बेहतरी, साफ पानी और फर्नीचर की कमी को पूरा करने समेत दीगर मसाइल को हल किया जाएगा। जिले भर का मयार तालीम बेहतर होगा और तालीमी रैंकिंग में जिला रहीम यार खां 18वें से पहली पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो जाएगा।